You are watching for the greater good. Hello guys, assalamu alaikum. Hope you guys are doing well and we are back to continue our series of tutorials regarding pandas. हमने अपने तीन मेन ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन. और अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट थ्री पार्ट्स नहीं देखे हैं सो गो वॉच देम. फर्स्ट लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आर जुपिटर नोटबुक्स. सो वी हैव कंप्लीटेड वर्किंग विद पांडास, सिलेक्टिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा एंड नाउ द टाइम फॉर मॉडिफाइंग डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि अपनी सर्वे रिजल्ट पब्लिक फाइल को रीड करवाया है जिसमें हम स्टार्ट से लेकर एंड तक काम करेंगे. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. हियर वी हैव आर सिक्स रोज एंड सिक्स कॉलम्स एज वी हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर इन द सेट ऑप्शंस मेथड. नेक्स्ट हियर df.columns. df.columns का एट्रीब्यूट करता क्या है कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उन्हें एक लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता है. सो हेयर वी हैव आर रिस्पोंडेंट, मेन ब्रांच, ऑबियस, ऑल द कॉलम्स इन आर डेटा फ्रेम. नाउ अब करेंगे हम क्या कि हम इस पूरे इतने बड़े डेटा फ्रेम को एक छोटे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उस पर ईजिली वर्कआउट कर सकें, उसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकें. तो df.ilog से हमने क्या किया, फोर रॉज एंड फोर कॉलम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और एक मिनी डेटा फ्रेम बनाया है. हेयर आर मिनी डेटा फ्रेम, सॉरी, हेयर वी हैव आर मिनी डेटा फ्रेम. एंड नाउ हमने क्या किया है कि अपने मिनी डेटा फ्रेम की कॉलम्स को प्रिंट आउट किया है df.columns, मिनी df.columns, रिस्पोंडेंट, मेन ब्रांच, हॉबीज, ओपन सोर्सर. अब करने क्या वाले हैं हम कि हम अपने डेटा फ्रेम के इन कॉलम्स को एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इन कॉलम के नेम्स को चेंज करेंगे. तो वो कैसे कर सकते हैं, एज यू गाइस कैन सी कि हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं ये एक लिस्ट के अंदर आए हैं. तो लिस्ट का नाम क्या होगा, लिस्ट का नाम है मिनी डीएफ डॉट कॉलम्स. मिनी डीएफ डॉट कॉलम्स हम लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. यहाँ हमने रिस्पोंडेंट्स की जगह एंट्री नंबर रीनेम कर दिया है अपने रिस्पोंडेंट्स के कॉलम को. एंड यू गाइस कैन सी के हमारे पास हमारे मिनी डेटा फ्रेम में रिस्पोंडेंट्स की जगह एंट्री नंबर आ रहा है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमें सारे कॉलम्स को एक साथ मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, या उनके अंदर कुछ एडिशन करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे. मिनी डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स पे हमने आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं. आइट्रेशन कैसे परफॉर्म किए हैं, एक्स डॉट अपर. अपर का मेथड क्या करता है कि वो सारे अल्फाबेट्स को जितने भी उस स्ट्रिंग के अंदर होते हैं उन सबको अपर केस लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है. एक्स डॉट अपर हमने अप्लाई किस पे किया है, मिनी डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स की लिस्ट को आइटरेट किया है और उसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उन पे हमने क्या किया, एक्स डॉट अपर अप्लाई किया है. सो हमारे जितने भी कॉलम नेम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, अपर केस में आ चुके हैं. नाउ हम अपने मिनी डेटा फ्रेम के कॉलम्स के ऊपर एक और मॉडिफिकेशन अप्लाई करेंगे कि इनमें जितने भी स्पेसेस हैं उन्हें हम अंडर स्कोर से रिप्लेस करेंगे. मिनी डी एफ डॉट कॉलम्स एस टी आर डॉट रिप्लेस, एस टी आर क्लास. और यहाँ हमारे पास रिप्लेस का एक फंक्शन है जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे कि स्पेसेस को किससे रिप्लेस कर दो, अंडर स्कोर से. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. एज यू गाइस कैन सी के एंट्री नंबर के बीच में जो स्पेस था उसकी जगह क्या आ चुका है, अंडर स्कोर. हेयर ऑल्सो एंड यहाँ भी आ चुका है क्या, अंडर स्कोर. नेक्स्ट हम अपने कॉलम्स को एक बार प्रिंट करके देखेंगे कि हमने जो चेंजेस क्रिएट किए हैं वो आए हैं या नहीं. हमारे चेंजेस डी एफ डॉट कॉलम्स के जो फुल कॉलम है उसके अंदर नहीं आए. क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने चेंजेस हमारे डेटा फ्रेम में नहीं किए. चेंजेस हमने किए थे मिनी डेटा फ्रेम में जिसे हमने पहले ही अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया था. नेक्स्ट हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे. डेटा फ्रेम में हमने रीनेम का फंक्शन कॉल किया है. रीनेम के फंक्शन में टिल नाउ हमने सिर्फ एक एक कॉलम नेम को चेंज किया है. अब हम मल्टीपल कॉलम नेम्स चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने एक डिक्शनरी टाइप बनाई है और रिस्पोंडेंट को किससे रिप्लेस करना है, रीनेम करना है, एंट्री नंबर से एंड मेन ब्रांच को ब्रांच से एंड हॉबीज को हॉबी से. ये हमने क्या किया है, हमने एक रीनेमिंग कर दी कि भाई हमारे ये जो कॉलम्स हैं इनको दूसरे कॉलम नेम से रिप्लेस कर दो. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट.
लेकिन यहाँ हमारे चेंजेस तो क्रिएट हुए ही नहीं। हमने जितने भी चेंजेस यहाँ क्रिएट करने को कहे थे वो हुए ही नहीं। पांडास जो है वो अपने पुराने तरीकों पर ही अप्लाई कर रही है। इफ़ यू गाइज रिमेम्बर कि हमने इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू का एक आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था। अगर हम वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ यूज़ नहीं करेंगे देन हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम मॉडिफाई नहीं होगा। सो इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू यूज़ किया है हमने। नाउ वी शुड एग्जीक्यूट इट एंड हेयर वी गो। एंट्री नंबर ब्रांच हॉबी एंड ऑल आर चेंजेस हैज बीन मेड। मिनी डेटा फ्रेम में जितने भी चेंजेस हैं वो क्या हो चुके हैं, अकर हो चुके हैं, और हमारे मेन डेटा फ्रेम में भी सारे चेंजेस अकर हो चुके हैं। नाउ वी विल मॉडिफाई आर रॉज। अभी तक हमने किन पे काम किया था, कॉलम्स पे। तो रॉ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मिनी डेटा फ्रेम से, एक मिनी डेटा फ्रेम डॉट लॉग 0 0th रॉ को बुलवाया है। देखें 0th रॉ हमारे पास आ चुकी है। एंड नाउ वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स। हमने किया क्या है, मिनी डेटा फ्रेम डॉट लॉग 0 इज इक्वल्स टू, हमने उसकी चारों वैल्यूज, चार वैल्यूज हैं हमारी रॉज में, एज यू कैन सी एंट्री नंबर मेन ब्रांच हॉबीज एंड ओपन सोर्सर। तो हमने एंट्री नंबर 5 कर दिया है, प्रो नो यस हमने चेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ हमारी 0th रॉ पे एंट्री नंबर 5 चला गया है, मेन ब्रांच प्रो हॉबीज नो एंड ओपन सोर्सर यस। ये एक लिस्ट क्रिएट करके हमने चेंजेस क्रिएट किए हैं, किसमें, अपनी 0th रॉ में जो हमने यहाँ बताया हुआ है डॉट लॉग के थ्रू। अब हम करने क्या वाले हैं कि हमने अभी तो अपनी चारों एंट्रीज को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। नाउ वी विल मॉडिफाई सिलेक्टिव एंट्रीज के, हम जो है वो ये वाली एंट्री यानी ये वाले कॉलम की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे और ये वाले कॉलम की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने df डॉट लॉग के थ्रू क्या किया है, 2, एंट्री नंबर मेन ब्रांच ओपन सोर्सर, मतलब सिर्फ ये तीन कॉलम्स ही हैं जिनकी वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। तो वैल्यू हमने दी है 6 हैकर यस। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड चेक। 6 हैकर एंड यस इन विच यस ओपन सोर्सर, ओपन सोर्सर यस। ओके वी हैव मेड आर चेंजेस थ्रू सिलेक्टिव एंट्रीज के, हमने जो है वो हॉबीस्ट की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, और दिस इज द वे कि हम अपनी सिलेक्टिव एंट्रीज को चेंज करें। नेक्स्ट फर्स्ट रॉ के सिर्फ एंट्री नंबर को क्या किया है, चेंज किया है, एंड एंट्री नंबर हैज बीन चेंज। एक और मेथड इसे यूज करने का वो ये है कि डॉट ऐड का मेथड हम यूज कर सकते हैं। मिनी df डॉट ऐड के मेथड में ये बेसिकली यहाँ पर हमारा इंडेक्स जा रहा है, यहाँ हमारा कॉलम नेम जा रहा है और यहाँ हमारी वैल्यू जा रही है। मिनी df डॉट ऐड फर्स्ट रॉ के एंट्री नंबर को क्या कर दो, 8 कर दो। ये मॉडिफिकेशंस अप्लाई हो चुकी हैं यहाँ भी। नाउ अब हम सिलेक्टिव वैल्यूज को मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए इफ़ यू गाइज रिमेंबर हम फिल्टर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर df कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि डेटा फ्रेम के कंट्री कॉलम में जहाँ जहाँ वैल्यू पाकिस्तान है वो वैल्यूज़ हमें बता दो, और ये वैल्यूज़ हमारे पास कॉलम नेम्स या कॉलम रॉस की सूरत में नहीं आएंगी, ये हमारे पास कॉलम का इंडेक्स आएगा एंड देन उसके आगे ट्रू या वैल्यू फॉल्स होगी, कि ट्रू वैल्यू जहां होगी वहां पाकिस्तान वैल्यू मौजूद है। एंड 0 पे फॉल्स, 1 पे फॉल्स, 2 पे फॉल्स। हेयर हमारे पास क्या है, 0 1 2 एंड लास्ट 3 कॉलम्स में वैल्यू क्या है, कंट्री के कॉलम में पाकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और फिल्ट्रेशन है, df डॉट लॉग फिल्ट ओपन सोर्सर इज इक्वल्स टू नेवर। अब यहाँ हमने क्या अप्लाई किया है कि जहाँ जहाँ ओपन सोर्सिंग नेवर है, ओपन सोर्सर के कॉलम में जहाँ जहाँ वैल्यू नेवर है वहाँ क्या अप्लाई कर दो, फिल्ट अप्लाई कर दो।
फील्ड का मतलब क्या है कि वहाँ कंट्री नेम क्या आना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए। हमने अपने चेंजेस क्रिएट करने के लिए क्या किया है, दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक फिल्टर यूज़ किया है और एक df डॉट लॉक वैल्यू यूज़ किया है। हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं ओपन सोर्सर में, जहाँ नेवर है वहाँ कंट्री क्या आना चाहिए, पाकिस्तान, थ्रू यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड लॉक। एज यू गैस कैन सी कि ओपन सोर्सर में हमारे पास नेवर है और कंट्री क्या आया है, पाकिस्तान। हेयर ऑल्सो नेवर पाकिस्तान, नेवर पाकिस्तान, ऑल द चेंजेस हैव बीन मेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हॉबीज कॉलम एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। हमारे पास हॉबीज कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं, यस नो वो आ चुकी हैं, और हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ हॉबी की कॉलम में वैल्यूज को क्या किया है, अपर केस में कन्वर्ट किया है। df डॉट हॉबी डॉट str डॉट अपर, अपर केस में एग्जीक्यूट किया है। एंड मेन जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें हॉबीज के कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, किसमें, अपर केस में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर मिनी डेटा फ्रेम अगेन, एंड हमारा जो है मिनी डेटा फ्रेम भी एज इट इज अपडेटेड है, जैसे हमने अपडेट किया था, जैसे हमने मॉडिफिकेशन अप्लाई की थी। और मिनी डेटा फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अप्लाई का फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने कॉलम सिलेक्ट किया होता है उसके वैल्यू के ऊपर लेंथ अप्लाई करके हमें उसकी लेंथ बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखूं, तो मिनी डेटा फ्रेम में मेन ब्रांच का जो हमारे पास कॉलम है उसके जीरोथ इंडेक्स पे लेंथ क्या है, 3 है। फर्स्ट इंडेक्स पे लेंथ क्या है, 38 है। सेकेंड इंडेक्स पे 6 है, थर्ड इंडेक्स पे 4 है। ये हमारे इन चार वैल्यूज की, स्ट्रिंग वैल्यूज की क्या है, लेंथ हैं। नेक्स्ट, अभी तक तो हमने ये देखा है कि हम लेंथ को प्रीडिफाइंड वैल्यूज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यूजर डिफाइंड वैल्यूज पे देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिंग इट एंड आर मेनी डेटा फ्रेम, एज यू गाइस कैन सी, सॉरी हाँ, एज यू गाइस कैन सी कि हमने अप्लाई के फंक्शन को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू अप्लाई किया है। हाउ, हमने एक डेफिनेशन दी फंक्शन की कि मेक लोअर हॉबी, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आएगी, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, और आपको रिटर्न क्या करना है, उस आर्ग्यूमेंट को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। अब हमने मिनी डेटा फ्रेम में ये अप्लाई किया है, मिनी डेटा फ्रेम के हॉबीज कॉलम पे डॉट अप्लाई, विच फंक्शन अप्लाई करना है आपको, मेक लोअर का फंक्शन, और इसे एग्जीक्यूट करके हमने देखा कि हॉबीज के जितने भी कॉलम की वैल्यूज हैं, जितनी भी रॉ वैल्यूज हैं, वो सारी क्या हो चुकी हैं, लोअर केस। इसमें हुआ क्या है कि एक फंक्शन को अप्लाई के फंक्शन ने अप्लाई किया, एक फंक्शन को अप्लाई के फंक्शन ने अप्लाई किया है, किस पर, हमारे एक कॉलम पर, एक स्पेसिफिक कॉलम पर। बिल्ट इन फंक्शन में जैसे ये काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही इसने यूजर डिफाइंड फंक्शन में किया है। यहाँ पर हमने लेंथ का फंक्शन अप्लाई किया था और यहाँ हमने मेक लोअर का फंक्शन अप्लाई किया है, जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम मिनी डेटा फ्रेम के हॉबीज पे लेमडा एक्स एक्स डॉट अपर, अपर अप्लाई कर रहे हैं कि अब सारे जो है वो किस में आ जाए, अपर में, अपर केस लेटर्स में आ जाए, नो नो यस नो ऑल इन अपर केस लेटर। और फिर हमें अपने पूरे डेटा फ्रेम पे लेंथ अप्लाई करना है। एंट्री नंबर की लेंथ क्या है, ब्रांच की लेंथ क्या है, ऑल लेंथ्स आर सेम। व्हाई, बिकॉज यहाँ डेटा फ्रेम पे जो लेंथ अप्लाई हो रही है ये लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, ये लेंथ किसी वैल्यू की लेंथ नहीं है, ये लेंथ है कि इस एंट्री नंबर के कॉलम के अंदर वैल्यूज कितनी है, इस एंट्री नंबर के कॉलम के अंदर रॉज कितनी है। तो हमारे जितने भी कॉलम हैं उनमें सेम रॉज हैं, तो क्या लेंथ हमारे पास अप्लाई होकर आई है, ऑल सेम 88,883। अब डेटा फ्रेम के ऊपर लेंथ अप्लाई करें तो डेटा फ्रेम की लेंथ क्या है, वही है जो हमारी नंबर ऑफ रॉज है। और df.country पे अप्लाई करेंगे तो भी सेम ही है, बिकॉज
पूरे डेटा फ्रेम में भी 88,020 रॉज हैं एंड कंट्री के कॉलम में भी यही रॉज हैं। अब हम कर क्या रहे हैं कि हमारा मिनी डेटा फ्रेम जो है उसमें एंट्री नंबर का कॉलम है, उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हैं इंटीजर वैल्यूज। हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज में, अप्लाई के थ्रू। अप्लाई लेमडा एक्स आइटरेट कर रहे हैं एक्स को एंड एस टी आर एक्स। क्या किया है हमने यहाँ पर, टाइप कास्टिंग की है कि एक्स की जो वैल्यू है उसे किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। एंड 0, 1, 2, 3 यहाँ हमारे पास क्या आया है, ये सॉरी इनकी डेटा टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। मिनी डेटा फ्रेम डॉट अप्लाई मैप, अप्लाई मैप का फंक्शन क्या करता है कि ये हमारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, क्या कर रहा है, जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे डेटा फ्रेम में उन सब की जगह उनकी लेंथ्स को मैप कर रहा है, उनकी लेंथ्स को पुट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ मेन ब्रांच की, तो मेन ब्रांच में यहाँ हमारे पास प्रो है, इसमें कितनी क्या लेंथ है इसकी, 3 लेंथ है, 0, 1, 2, तो लेंथ क्या हो गई 3। इस स्ट्रिंग में कितनी वैल्यूज हैं, 38, इसमें 6, इसमें 30, एंड यहाँ नो नो, 2, 2, येस पे आ गई 3। यहाँ हमारे पास अप्लाई मैप का फंक्शन क्या कर रहा है कि लेंथ का जो फंक्शन हमें यूज करना है उसकी वैल्यूज की जगह पर वो उसकी क्या पुट कर रहा है, लेंथ को पुट कर रहा है एग्जैक्टली सेम प्लेस पर मैप कर रहा है। अप्लाई मैप का फंक्शन ये करता है। str डॉट लोअर में भी फिर यही होगा कि अप्लाई तो करेगा वो, लेकिन कैसे अप्लाई करेगा कि पूरे डेटा फ्रेम में मैप कर देगा लोअर केस को। एंड एज यू गाइस कैन सी कि हमारे इस पूरे डेटा फ्रेम में, मिनी डेटा फ्रेम में एक भी अपर केस लेटर नहीं है, क्योंकि इसने सबके ऊपर डॉट लोअर अप्लाई करके क्या किया है, उसे मैप कर दिया डेटा फ्रेम में। आर मिनी डेटा फ्रेम, यहाँ मेन में चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ मैपिंग की है, अपने मेन डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस क्रिएट नहीं किए हैं। नेक्स्ट डॉट मैप नो येस है हमारे पास के, जहां वैल्यू नो हो वहां वैल्यू क्या कर दो, येस कर दो। हॉबीस्ट में येस येस नैन येस, येस थी तो अब वो वैल्यू को क्या करेगा, नो की जगह पे तो येस पुट हो गई लेकिन येस की जगह पे नॉट अवेलेबल आया है। नेक्स्ट मिनी डेटा फ्रेम एंड अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस यूज कर रहे हैं। रिप्लेस का मीन है कि नो की जगह पर येस पुट कर दो, तो इससे क्या होगा कि जहां येस है वहां ऑलरेडी येस रहेगा। डॉट रिप्लेस में और डॉट मैप में यही डिफरेंस है कि मैप के अंदर अगर सेम वैल्यू आ गई तो वहां पर नैन वैल्यू आ जाएगी, मतलब नॉट अवेलेबल। और रिप्लेस के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हम येस की जगह पर येस ही रहने दे सकते हैं, मतलब सिर्फ वैल्यूज जहां अपडेट करनी है वहां अपडेट होंगी और जहां अपडेट नहीं होनी है वहां एज इट इज रहेंगी। यहां हमने डॉट रिप्लेस अपने मिनी डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर दिया है। टिल नाउ हमने जितनी भी मॉडिफिकेशंस की हैं वो एकदम परफेक्टली हमारे डेटा फ्रेम्स और मिनी डेटा फ्रेम्स पर अप्लाई हो चुकी हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन ट्यूटोरियल नंबर 4। इफ़ यू गैस डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू गैस कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और यू गैस कैन मेल अस ऑल्सो एंड ऑल्सो वॉच द प्रीवियस पार्ट टू अंडरस्टैंड आई लॉग फिल्ड दीज फंक्शन आर एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पार्ट्स। द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।